जय हिंद। आज बात करेंगे हम वर्क एनर्जी और पावर के बारे में। वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, ठीक है। हम इसमें इनटू जो लिखते हैं ना वो डॉट डालते हैं। ये बेसिकली जब हम वेक्टर्स पढ़ेंगे आगे तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट इसका स्केलर प्रोडक्ट, इसलिए वर्क जो होता है वो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट स्केलर होगा। अगर स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर भी स्केलर होगा। तो वर्क जो है स्केलर है। ये फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। अगर मैं इस साइड फोर्स लगा रहा हूँ, इसी डिस्टेंस में जा रहा हूँ, तो हम इसे पॉजिटिव वर्क बोलते हैं। फोर्स इस तरफ लग रही है, ठीक है, मगर हमारी या हमारी डायरेक्शन मूवमेंट की ये वाली है, फोर्स इस तरफ लग रही है, तो उसे हम नेगेटिव वर्क बोलते हैं। नेगेटिव वर्क की एग्जांपल दो, कौन सी चीज नेगेटिव वर्क करती है? फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क करता है। अब बॉल को रोल करते हैं, बॉल की डायरेक्शन उस तरफ है, मगर हमेशा फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, तो ये नेगेटिव वर्क हो गया। जैसे फ्रिक्शन काम करता है, फ्रिक्शन का इंपैक्ट ऐसा ही होता है, ठीक है जी। अगर डिस्टेंस जीरो हो जाए, अगर एस ही जीरो हो जाए, ठीक है, आपने एक दीवार में रखा, हमारा दीवार हिली नहीं, ठीक है, तो वर्क क्या हो जाएगा? एफ इनटू जीरो, वो भी जीरो हो जाए, ठीक है। और कॉस ऑफ 90 डिग्री क्या होता है? जीरो। तो बेसिकली जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये एफ एस कॉस थीटा होता है। सो अगर फोर्स इस तरफ लगा रही है और आप चाहते हैं डिस्टेंस ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, फोर्स आप इस तरफ लगा रहे हैं, डिस्टेंस आपका आप चाहते हैं परपेंडिकुलर मूव करे, राइट, तो ऐसा होगा नहीं। पॉइंट समझ आ गया आपको? तो कॉस थीटा उसमें क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। इट विल बिकम एफ इनटू एस इनटू जीरो, इट विल बिकम जीरो। इस केस में भी है। सो वर्क कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो इन ऑल्सो सम केसेस। तो वो तीनों चीजें हो जाती है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है एनर्जी की। एनर्जी क्या होती है? बड़ी कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना, ठीक है। सो इट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। साथ साथ उतारता जाइएगा फिर, क्योंकि उतारने में बाद में टाइम मिलेगा नहीं हमें, ठीक है। एनर्जी को हम बेसिकली दो मेन कंपोनेंट्स में डिस्कस करते हैं, जब हमने जनरली पोजीशन या मोशन से करना हो। सो एनर्जी पोजेस बिकॉज ऑफ पोजीशन, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और एनर्जी पोजेस बिकॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। गॉट इट? यस सर। ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बिफोर समथिंग अपोजिस सम फोर्स। सो वर्क डन अगेंस्ट ए फोर्स आ गई, जैसे फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, और ये वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट द फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। सपोज करते हैं एक ऑब्जेक्ट है मास एम का, इनिशियल वेलोसिटी यू से चल रहा है और उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वी आफ्टर अ डिस्टेंस एस, राइट, ठीक है। और सपोज करते हैं ए इज द एक्सेलरेशन, सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या होता है? 2s, ठीक है। साथ आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो एस की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी? बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। ये आ जाएगा फोर्स बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अच्छा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स किसके बराबर होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको दिख रहा है कौन कौन सी इक्वेशन पुट कर रहे हैं?
इसके बाद हम दूसरी पुट कर रहे हैं एम इक्वल टू एम ए, ये पुट करेंगे दिस इज एम इनटू ए इनटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ए और ए कट गया, ये किसके बराबर आ जाएगा, हां लिखते हैं हम दस तो देखो कहां पे है, चलो किसी को यूज कर आपको समझ आया मैं कौन कौन सी डाल रही है, ये थर्ड इक्वेशन डाली है, ये थर्ड इक्वेशन हम मोशन पे डाला है और दूसरा कौन सा डाला है, सेकंड न्यूटन सेकंड ऑफ न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन ठीक, तो वर्क किसके बराबर आ गया, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर, ठीक है पॉइंट समझ आया आपको, नहीं आया ये देखिए ना एम बाय टू है तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस एम बाय टू इंटू यू स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया ठीक है, ये जो क्वांटिटी है ना सो वर्क किसके बराबर हो गया, चेंज इन दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, सो इट इज चेंज इन बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन द केस टू यू कैन से फाइनल केस माइनस काइनेटिक एनर्जी इन द केस वन, सो वर्क कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन, समझ आ गया आपको, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है बेसिकली जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई वही किस में कन्वर्ट हुआ, वर्क में, यूजफुल वर्क में, पॉइंट समझ आया आपको, काइनेटिक एनर्जी को दिस क्वांटिटी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, पॉइंट समझ आ रही है आपको, सो द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बिकॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, उसी तरह अगर आप हाइट गेन करते हैं कोई ठीक है तो उस हाइट पे जो एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ये एच है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है एम जी एच, एम इंटू जी इंटू एच, ये रख कर दूं उधार लिए काइनेटिक एनर्जी की कोई एग्जांपल है सर, बेटा तो कोई आप एक एग्जांपल बताइए, मैं एक एग्जांपल देता हूं, मुझे बताओ ट्रक का मास ज्यादा होता है साइकिल का ज्यादा होता है, ट्रक का धक्का किसका ज्यादा होगा, बड़ा ट्रक का, क्योंकि उसका मास ज्यादा होता है, अगर एक साइकिल चल रहा है दो साइकिल है सेम मास के, मास सेम ले लेते हैं, एक की वेलोसिटी 20 है एक की 40 है, किससे ज्यादा लगेगी अगर आपको बताएगा 40 वाले से, वो वेलोसिटी का रिलेशन, सो द एनर्जी पोजेस्ड बिकॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज गिवन बाय हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, अगर मास डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी डबल होगी, बट अगर वेलोसिटी डबल होगी तो काइनेटिक एनर्जी 4 times होगी, समझ आ रहा है, सो 20 की स्पीड से चलती कार और 40 की स्पीड से चलती कार डबल कर दी मैंने वेलोसिटी, मैं 4 times इंपैक्ट ज्यादा होगा, समझ आ गया, एनर्जी जो होगी उसमें कितनी होगी 4 times ज्यादा होगी, तो वेलोसिटी का डबल करने से एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी वो ऑलमोस्ट उसके डबल हो जाती है, समझ आ गया, स्क्वायरिश रिलेशन है, डबल दुगना करोगे मां वेलोसिटी को तो 4 times हो जाएगी, 3 times करोगे तो 9 times हो जाएगी, 9 times हो जाएगी, तो बहुत बढ़ जाती है, पॉइंट समझ आ गया आपको, ठीक है, अब जो अगला कंसेप्ट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या आता है ये बोलता है एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, और इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, सपोज करते हैं एक मास का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ऊपर से गिरता है, हाइट टच है, ये पोजीशन आ गई जमीन से बिल्कुल पहले टच होने से पहले, बस अब टच होने वाला है, ठीक है जी, और एक केस बीच में ले लेते हैं, सपोज करते हैं इसमें कितना डिस्टेंस चल रही है, एस डिस्टेंस चल रही है, हमारे पास 3 cases हैं ए बी और सी, और हम तीनों पे निकालेंगे कि टोटल एनर्जी कितनी आती है, राइट ठीक है, हम निकाल रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस जगह पे हाइट है
ठीक है, मगर स्टिल सो टोटल एनर्जी विल बी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, आ जाएगा एम इंटू जी इंटू एच प्लस हाफ ऑफ एम इंटू जीरो स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहां पर जीरो है, ये आ गया एम जी एच, गॉट इट। तो ये कौन सा केस आ गया, ए वाला, बी वाला केस ले लेते हैं, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब हाइट कितनी रहेगी, यहां तक एस ट्रेवल कर ली है, ठीक है, ये हो जाएगी एम जी एच माइनस एस, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ एम। अब अगर यहां वेलोसिटी जीरो थी, डिस्टेंस एस टल दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, तो यहां की वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं हमें, तो वो आ जाएगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अब हम वी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, हम वी स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू जी एस, हमने कितना चला एस ही चला, तो वी स्क्वायर बाय टू जी आ गया, ठीक है, यही आया। अब हम यहां पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा एम जी एच माइनस एम जी एस प्लस हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर बाय, हमें क्या निकालना था, वी स्क्वायर निकालना था हमें, तो वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, टू जी एस, वो पुट कर लेते हैं, ठीक है ना, ओके ओके, ये आ जाएगा टू जी एस, ये और ये कट गया, ये आ गया एम जी एच माइनस एम जी एस प्लस एम जी, ये कट गया, ये क्या आ गया, दोबारा भी ये आ गया, बी पॉइंट पे भी सेम आ गई, ठीक है। अब हम सी पॉइंट पे चलते हैं, ये वाला पॉइंट पे सी पे निकालते हैं, ठीक है। अब हमने पूरा डिस्टेंस चल दिया, ठीक है, तो हाइट हमारी कुछ भी नहीं रही, क्योंकि हम बिल्कुल हम टच करने वाले हैं, तो टोटल एनर्जी विल बी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम इंटू जी इंटू जीरो, क्योंकि अब हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ एम वी टू ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ वी टू ले लेता हूँ द स्क्वायर, ठीक है जी, दोबारा वही डालते हैं, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या होता है टू जी एस, ठीक है, यहाँ की वेलोसिटी हम यहाँ ले रहे हैं वी टू, ठीक है, इनिशियल क्या थी जीरो, तो v2 का स्क्वायर आ जाएगा 2g, और ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया आपने, हमने h आ गया। अब यहां अगर डालेंगे तो क्या होगा, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू mg into 0 प्लस हाफ ऑफ m into 2gh, यही आएगा, ठीक है, ये 2 और 2 हट गया, ये 0 आ गया प्लस mgh, फिर क्या आ गया mgh, तीनों केसेस में टोटल एनर्जी क्या आ रही है। इसके बाद जब ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करता है जमीन को करेगा, तो साउंड प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, लाइट भी प्रोड्यूस हो सकती है, वो हाइट पर डिपेंड करता है, तो वो जो एनर्जी यहाँ पे थी इट गेट कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सिर्फ वहां पर हमने एच की जगह जीरो लिखा, पोटेंशियल एनर्जी दिया भाई, इसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, अब ये जब धरती से टच होने वाला होगा तो हाइट क्या होगी, ये लेनी है ना हाइट, ऑफ ये हाइट कुछ है ही नहीं है, बिकॉज दिस इज ऑलमोस्ट जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड हाइट क्या रहेगी, जीरो। समझ आया जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, तो आगे का इसको पोटेंशियल एनर्जी डैम वगैरह भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हाइट की वजह से होती है, जब आप पानी को रोकते हैं डैम में तो जो ऊपर पानी हाइट गेन करता है, देखो पानी यहाँ बह रहा था इस लेवल पर, ठीक है, ये पहाड़ है, अरे पानी को रोका, पानी यहाँ तक आ गया, ठीक है, अब यहाँ से जो पानी फ्लो करेगा उसमें हाइट गेन करने की वजह से एनर्जी आ जाएगी, इस एनर्जी को हम टर्बाइन्स को चलाने के लिए यूज करते हैं, सो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू बेसिकली रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जो आगे बह रही है वो पोटेंशियल के पीछे वो काइनेटिक, कहां पे नहीं, जब ये पानी आएगा तो ये पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक टर्बाइन को चलाएगा, आपने हाइट गेन करवाई है पानी स्टोर करके, जैसे छत पे पड़ा टैंकी में जो पानी होता है वो एक बार आप ऊपर चढ़ा दो उसके बाद हर नलके में पहुंच जाता हो, क्यों, क्योंकि उसने हाइट गेन कर ली है, तो नीचे ग्रेविटी के अंदर ही आएगा अपने आप,
रही है? डेरिवेशन में आपको इसलिए एक एक बार करा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रिटेल करना आसान हो जाए। होता क्या है कि सुपरफिशियल पढ़ते हैं। करना किसी ने मुझे YouTube में मैसेज किया था कि सर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो FAA में है नहीं है, मैसेज किया था मुझे। तो मैंने उसको बोला यार मास और वेट कैसे पढ़ोगे उसके बिना। तो उसने मुझे फिर दोबारा मैसेज किया कि सर उससे चैप्टर तो हैवी हो जाता है ना। बात तो ठीक है, बट आप व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सम टिटबिट्स, व्हाट इज द फन ऑफ लर्निंग टिटबिट्स विदाउट कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट तो हैवी होगा ही। जब वो सिलेबस बनाते हैं तो वो हर चीज नहीं लिख सकते, वो एक पॉइंट डाल देते हैं, उस पॉइंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसमें ये नहीं बोल सकते कि अगर मास वेट पूछा है तो ग्रेविटी नहीं पूछ सकते, वेट में ग्रेविटी का अपने आप आ गया। जब आप वही वेट पूछ रहे हैं, वेट इज मास इनटू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी जी इंक्लूड हो गया। जी इंक्लूड हो गया तो जी कहां से बना? वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बना, वो भी इंक्लूड हो गया। सो जब आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं ना, मैंने बड़ी बार अपनी क्लास में भी यही बोला है, जब भी आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं ना तो आपको थोड़ा बड़प्पन लाना पड़ता है। आप जो सिलेबस टू द सिलेबस टिपिकली टू द सिलेबस, ये कॉन्सेप्ट चलते थे एकेडमिक्स में। एंट्रेंस में कोई सिलेबस को टिप टू द सिलेबस कोई चीज नहीं होती, वो सिर्फ हेडिंग डालते हैं और हेडिंग में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, उससे रिलेटेड जितना मर्जी होगा। अगर लॉज ऑफ मोशन लिख दिया तो लॉज ऑफ मोशन जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन को साथ इंक्लूड करेगा। अब लॉज का टर्म इक्वेशन थोड़ी छोड़ी जा सकती। जब उन्होंने मास को करा दिया, वेट को करा दिया, तो मास और वेट जो है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को छोड़ ही नहीं सकता, वो उसके बिना यूनिवर्सल लॉ के बिना वो चल ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ से ही जी डिराइव होगा, जी से ही आगे वेट डिराइव होगा। कंसेप्ट समझ रहे हैं मेरे को? सो आपको थोड़ा सा दिलेरी लानी पड़ेगी, बड़प्पन लाना पड़ेगा। जब आप सीख रहे हैं वो आपको ए फेंकते हैं, क्वेश्चन सी पूछेंगे। मैंने पिछले परसों ही जोधपुर बता रहा था आपको कि मैं अभी केमिस्ट्री का पेपर देख रहा था IIT का, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा ना उसके अंदर, वो क्वेश्चन मैंने किसी एकेडमिक बुक में नहीं देखा हुआ। इमेजिन करिए, हमने मार्कोनी का रूल भी पढ़ा हुआ है और कॉन्सेप्ट भी पढ़े हुए, मगर वो मार्कोनी का रूल का जो एप्लीकेशन था ना, वो उन्होंने साइक्लिक कंपाउंड्स की एक्सपेंशन पे लगाया था। वो है नजर है ही नहीं है किसी जगह पे, वो जस्ट सुपरफिशियल आइडिया दिया उन्होंने कि एक्सपेंशन भी हो जाती है। और आपको स्पेशली टेक्स्ट बुक क्या प्रदीप में भी नहीं वो नजर आता। पॉइंट समझ आ रहे हैं? देख के भी जस्ट हिंट्स, उन्होंने मार्कोनी का रूल भी लिख लिया, जो मर्जी पूछे उनके ऊपर है वो। और वो जहां आप छोड़ेंगे ना, जेड पे छोड़ेंगे, वो जेड के आगे ही पूछने वाले हैं। पॉइंट समझ गया? थोड़ा सा बड़प्पन लाए पढ़ाई करने, आइडिया हो गए? लास्ट कंसेप्ट इसमें से आता है पावर का। क्या होती है पावर? वे पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है? पावर इसका यूनिट क्या होता है? वॉट। वर्क डन का यूनिट क्या होता है? वर्क डन। अभी हमने किया ना फोर्स इनटू डिस्टेंस, अगर फोर्स हो 1 न्यूटन की और डिस्टेंस ना है 1 मीटर, तो वर्क को बोलेंगे 1 जूल। क्या बोलेंगे? जूल, राइट। वैसे ही अगर वर्क डन हो 1 जूल का 1 सेकंड में, तो पावर को बोलेंगे 1 वॉट। वॉट एक छोटा यूनिट है, हम 1000 वॉट में कैलकुलेट करते हैं उसे, किलो वॉट कहते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट है वो भी हम किलो वॉट आवर में करते हैं, वो कमर्शियल यूनिट है कि 1 घंटे में कितने किलो वॉट यूज हुए उसे किलो वॉट आवर बोलते हैं। वो थोड़ा बड़ा यूनिट है और किलो वॉट आवर में पेमेंट की जाती है। जो आपका AC होता है जिसको हम बोलते हैं 1.5 टन का AC है, दैट बेसिकली मीन्स इट इज यूजिंग 1.5 टन, 1.5 किलो वॉट आवर उसकी कंजप्शन है 1 घंटे की। तो वो 1.5 किलो वॉट आवर यूज करता है, 1.5 यूनिट मान लीजिए हम यूज करता है 1 घंटे में, ये मतलब है। एनर्जी का बता दिया था मैंने, बताओ जी एनर्जी का क्या होता है? एनर्जी होती क्या है? अभी बताया मैंने, वर्क वाला यूनिट है सेम। जो आप में काम करने की कैपेसिटी है, जब आप कर देंगे तो रहेगी, जब आपने काम कर दिया तो वो कैपेसिटी रही आप में, कैपेसिटी थी वो आपने कर दी, तो आपने उसमें क्या कर दिया?
वर्क कर दिया, तो आपकी कैपेसिटी थी वो वर्क में कन्वर्ट होगी। वर्क क्या है, यूनिट क्या है, जूल। तो आप में भी जो कैपेसिटी थी वो भी जूल में कैलकुलेट होगी। पॉइंट समझ आ गया आपको? ठीक है, ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। मैथ्स क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल वगैरह क्लोज करेंगे, ये ऑलमोस्ट डन हो गया। ठीक है जी, थ्योरी को गो थ्रू करो, ये सारा नाइन्थ की बुक है, नाइन्थ की बुक को गो थ्रू करो, रिवाइज करो, ताकि जब वो थोड़ा सा फ्रेम से हिले तो हमें वो आता हो। थैंक यू।